प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग पाठ 13 मूर्ख कच्छप का रिवीजन कार्य करेंगे, अभ्यास कार्य। मूर्ख कच्छप का अर्थ होता है मूर्ख कछुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, एकस्मिन वने एक आसीत, एक वन में एक था, क्या था? ऑप्शन है सिंह, तड़ाग, हंस। शेर था या तालाब था या हंस था? एक वन में एक तालाब था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 तड़ाग पे आप सही का निशान लगाइए। ख है कच्छप वसति स्म, कछुआ रहता था। कछुआ कहाँ रहता था, तड़ागे, वने या गृहे? तो कछुआ कहाँ रहता था, तालाब में रहता था। ऑप्शन को आपका सही है। ग है कच्छपस्य मित्रे आस्ताम, कछुआ के दो मित्र थे, कौन थे? मत्स्यो, दो मछलियाँ, कुकुरो, दो कुत्ते या दो हंसो, हंसो या दो हंस? तो आपका ऑप्शन 3 ये आपका सही है, हंस। कछुआ के दो हंस मित्र थे। ओके, पहले में तड़ागा, दूसरे में तड़ागे और तीसरे में हंसो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, एकस्मिन बने तड़ागो आस्ताम, एक वन में दो तालाब थे। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक वन में एक तालाब था। ख है एकदा ग्रीष्मतो तड़ागस्य जलम असुष्यत, एक बार गर्मी के दिनों में तालाब का जल सूख गया। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ग है आवाम त्वाम अन्य तड़ाग नयावह, हम दोनों तुमको दूसरे तालाब की ओर ले जाएंगे। ये आपका ऑप्शन सही है। सह अधा अपतत दिवंगत च, वह नीचे गिर गया और मर गया। कछुआ नीचे गिर गया और मर गया, ये भी आपका ऑप्शन सही है। यानी कि पहला सही, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा सही। ओके, आप लोग इसको आप लोग रिवाइज करिए।